जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। सोमवती अमावस्या 6 सितंबर को पड़ रही है। इसकी आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पहले से दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, अभी तक आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज अभी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे सोमवती अमावस्या को केवल दो उपाय यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ऐसे स्ट्रिक उपाय हैं, ये बहुत ही आसान हैं। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी ख़रीदना नहीं है, एक भी पैसा आपका लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको लाखों का मुनाफा हो सकता है, आपकी घर में धन समृद्धि आ सकती है। अमावस्या का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। बिना समय गवाए वीडियो आज का शुरू कर लेते हैं। देखिए, जिनको पैसों की तंगी हो, जिनको किसी ना किसी कारण से धन का अभाव हो रहा है, उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता को 108 बार उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस मंत्र को बोलते हुए, कौन से आपको अभी बताने जा रही हूँ, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इसमें इस मंत्र का अर्थ क्या है? श्री मतलब संपदा, हरि मतलब भगवान की दया, संपदा और प्रभु की दया पाना, ये दोनों अगर आपको मिल जाएं तो आपकी गरीबी तो ऐसे भाग जाएगी। तो केवल इतना सा काम करना है आपको, तुलसी माँ की प्रदक्षिणा करनी है 108 बार इस मंत्र को बोलते हुए। मंत्र आपको लिखित में दे दिया है स्क्रीन पर, इसे पढ़िए और बोलते जाइए, आपकी ये समस्या समाप्त। इसके बाद कितना छोटा सा उपाय है, फिर इसके बाद छोटा सा एक और उपाय। आपके घर में दरिद्रता भरी पड़ी है, गरीबी आपका जाने का नाम नहीं ले रही, यहाँ पर भी एक ही काम करना है, यही काम करना है, तुलसी माँ की आराधना करनी है। तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप बताया गया है, तो सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करते हुए ओमकार का ओमकार का जाप करें और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं तो आपके सारे रुके काम होने लग जाएंगे। आपके घर से दरिद्रता ऐसे भागेगी जैसे आपके घर में कभी दरिद्र का वास था ही नहीं। इतना छोटा सा काम करना है आपको, ओमकार का जाप करना है और श्री हरि श्री हरि श्री हरि, सिर्फ ये दो काम करने हैं आपने। छोटे छोटे से काम हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। माँ लक्ष्मी का आपके घर में सदा सदा वास रहे, इसी कामना इसी इच्छा के साथ आज की विशेष जानकारी इतनी ही। सोमवती अमावस्या बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है शास्त्रों में, तो इस अमावस्या पर जो भी उपाय बताए जाते हैं पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ किया करें। पिछली दो वीडियोस जो चैनल पर सेंड की हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन दोनों वीडियोस को एक बार ज़रूर सुनिएगा। आपके लिए इतने आसान उपाय हैं, सभी उपाय आसान होते हैं, लेकिन करने वाला उसे किस नियति से कर रहा है, किस मंशा से कर रहा है, ये उन पर निर्भर करता है। तो उपाय को करने वाले ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उपाय स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उपाय को जब हम करते हैं, उन्हें बार बार करते जाते हैं तब वे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तब उनमें एक ऊर्जा का संचार होता है और तब हमारे कार्य होने शुरू होते हैं। तो उपाय के महत्व को समझिए कि उपाय है क्या चीज़, तो इस चीज़ को समझते हुए ही उपाय करें, तभी आपकी सभी इच्छाएँ पूर्ण होगी। विश्वास का होना, श्रद्धा का होना अति आवश्यक है, तो अपनी श्रद्धा और विश्वास को
कायम रखते हुए ही उपाय करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया कीजिए, क्योंकि वीडियोस देखते हैं सभी लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये मैंने अभी रिसेंट 2-3 वीडियोस के माध्यम से देखा है, मैंने चेक किया तो वीडियोस देखते सभी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अनसब्सक्राइबर जो हैं वही वीडियोस को देखते हैं और देखकर छोड़ देते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होता है तो कुछ एक लाभ के हकदार तो हम भी हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। जय जिनेंद्र।